हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन लाइफ। देखिए फ्रेंड, मेरे गार्डन में कितने बड़े साइज का डालिया का फ्लावर खिला हुआ, कलियां भी बहुत सारी बनी हुई है, सारा खुलना स्टार्ट हुआ है फ्रेंड। नेस्ट्रियम फ्लावर भी बहुत अच्छी हो रही है, भर भर के फूल दे रही है। पत्तियों का भी साइज़ देखिए कितने बड़े साइज का है। मैंने इसे छोटे से कंटेनर हैंगिंग बास्केट में लगाया है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ्री के फर्टिलाइज़र और दवा, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और फ्री के है। आज उसका नाम है फ्रेंड राख। देखिए फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगी कि राख का यूज़ हम अपने प्लांट में कैसे करेंगे। यह पुराने ज़माने में फ्रेंड राख का यूज़ किया जाता था, का भी है। आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र लोग उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो, और बाज़ार से ख़रीद के ही फंगिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र लाकर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन राख जो होता है वह दोनों काम करता है, फंगिसाइड का भी और फर्टिलाइज़र का। इसीलिए इस फ्री के फर्टिलाइज़र को हमें अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यह राख है फ्रेंड लकड़ी का और गोइठा का, जिसे हम कंडा कहते हैं। इस राख को खाक समझ के अक्सर सभी लोग फेंक देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको पता चलेगा फ्रेंड इसका बहुत ही बेनिफिट है और पौधों में इसका बहुत ही असर होता है। फ्रेंड मैं गार्डनिंग करती हूँ इसलिए अक्सर मेरे हाथ मिट्टी से ही सने हुए रहते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं कभी भी ग्लव्स पहन के गार्डनिंग नहीं करती हूँ और फ्रेंड मैं हाउस वाइफ हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि कम से कम बजट में मैं अधिक से अधिक फ्लावरिंग पा सकूँ और अपने गार्डन की देख रेख कर सकूँ। हमेशा फ्री के फर्टिलाइज़र, फ्री के कटिंग से पौधे तैयार करती हूँ और कम से कम रेट में प्लांट खरीदना चाहती हूँ। राख में फ्रेंड कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में रहती है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके यूज़ करने से मिट्टी भी भुरभुरी होती है। लेकिन फ्रेंड एक बात हमेशा याद रखिएगा, अधिक यूज़ करना किसी भी फर्टिलाइज़र हो चाहे कुछ भी हो हानि करता है। इसीलिए इसका रेशियो जानकर ही आप उसका गार्डनिंग में यूज़ करिए और इसे लगातार यूज़ नहीं करना चाहिए। राख का यूज़ कम से कम महीना दो महीना में एक बार करना चाहिए। पत्तियों में अगर इसका छिड़काव कीजिएगा फ्रेंड, तो जितने भी मिलीबग है या फिर मरोड़िया या फिर बहुत सारे जो हमारे प्लांट के पत्तियों को खाते हैं, वो सब प्लांट सब भाग जाते हैं या फिर गिर के मर जाते हैं। अभी का समय फ्रेंड ब्लैक माइट्स का भी अटैक बहुत अधिक होता है, इसलिए इस सब का छिड़काव करने से ये सब का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। एक दिन रहने के बाद फ्रेंड इसे झाड़ दीजिए या फिर पानी से वाश कर दीजिए, क्योंकि अगर इसमें इस तरह का डस्ट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट को प्रॉब्लम होगी और अपना खाना भी ठीक से नहीं बना पाएगा। इसलिए दूसरे दिन इसे वाटर से साफ़ कर दीजिएगा। राख का यूज़ आप दो तरह से कर सकते हैं, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप इसका यूज़ तो आप दो एक चम्मच छोटे पोट में एक चम्मच और अगर 12-14 इंच के पोट हो तो दो चम्मच डालिएगा। देखिए फ्रेंड, ये मेरे 7 इंच का पोट है, मैं इसमें एक चम्मच चारों तरफ से राख डाल दूंगी। उसके बाद इसकी मैं ऊपर से नीचे गुड़ाई कर दूंगी। फ्रेंड ये राख जब भी डालिएगा फ्रेंड, तो जब मिट्टी सूखी रहे तभी डालिएगा, उसके बाद ऊपर नीचे इसे मिला दीजिएगा। ये हुआ फ्रेंड डस्ट यूज़ करने का तरीका। अब आप लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं इसका। 5 लीटर पानी में फ्रेंड कम से कम 50 ग्राम राख को मिला लीजिए। अच्छी तरह इसको मिला के 10 मिनट के लिए फ्रेंड छोड़ दीजिएगा, तो इसके जितने भी सॉलिड फॉर्म है सब नीचे बैठ जाएगा। फ्रेंड इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, नहीं तो पता चलेगा कि अच्छा रिजल्ट आने के जगह इस पौधे का ग्रोथ ही रुक गया है या फिर पौधा मर गया है। मिट्टी में लगे स्नेल और स्लग जैसे कीड़े को भी मारता है और अगर मिट्टी के ऊपर काई लग जाता है तो इसके छिड़काव से काई भी ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड जब मिट्टी सूख जाए, इसका वाटरिंग ख़त्म हो जाए फ्रेंड, सूखी हुई मिट्टी में इसका यूज़ कीजिएगा। और जितने भी खरपतवार है फ्रेंड सबको पहले हटा के उसके बाद हल्के हाथों से इसका गुड़ाई कर लीजिएगा। गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड कम से कम 100 ml प्लांट में डालना है।
इससे आप देखिएगा गजब का ग्रोथ प्लांट सब में रहता है। अधिक गर्मी में फ्रेंड इसका यूज़ नहीं करना है। राख का अधिक यूज़ मिट्टी को अल्कलाइन बना देता है, इसलिए इसका यूज़ अधिक नहीं करना है। फ्रेंड ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा फ्रेंड ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।